पिछली सरकार और इस सरकार को तुरंत एक विषय में हम अलग कर सकते हैं, मतलब एक बैंक का ट्रीट करने का तरीका वर्सेस मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के बैंक के साथ उनके अपने रवैया। मोदी जी के सरकार में कोई किसी बैंक को फोन करके फलना को पैसा दो, उनके पास सिक्योरिटी हो कि नहीं हो, परवाने अब दे दो, ऐसे फोन कॉल नहीं जाता। ये रिफॉर्म के स्टेप भी हमने लिया, इसीलिए ये 4 R's बोलते हैं, रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम, रिसॉल्व द प्रॉब्लम, रिकैपिटलाइज द बैंक एंड देन लुक एट हाउ टू रिफॉर्म द बैंक सो दैट वो प्रोफेशनली चलें। देश में भी हर साल नई नई चुनौतियां आती हैं और उन चुनौतियों को देखते हुए वो बजट भी बनाना पड़ता है। लेकिन अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें, NPA की अगर बात करें, तो पिछले 7-8 सालों में उसमें काफ़ी सुधार आया है, न्यूनतम स्तर पर पहुंचा है। ऐसा क्या था कि पिछली सरकारों में उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा, और ऐसा क्या किया गया है कि अब ये जो है ये सुधार की तरफ दिखाई दे रहे हैं? पिछली सरकार और इस सरकार को तुरंत एक विषय में हम अलग कर सकते हैं, मतलब एक बैंक का ट्रीट करने का तरीका वर्सेस हमारे सरकार के मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के बैंक के साथ उनके अपने रवैया। हिंदी में अच्छा बोलने के समय आता है, मगर उदाहरण जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, और इन प्रिंसिपल आइडियोलॉजिकली ऑल्सो फर्क है। बैंक को एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, देश का आर्थिक व्यवस्था में उनका बहुत बड़ा योगदान है, और उनको अपने प्रोफेशनलिज्म के साथ चलाने के फ्रीडम देना चाहिए, ये है मोदी जी के अप्रोच। वेरस प्रीवियस गवर्नमेंट का अप्रोच ये था कि उसके द्वारा हमारे अपने पार्टी के कार्यकर्ता, भतीजा, भाई, बहन, जीजा जी, सबको कैसे उनसे जो लीगल नहीं है ऐसे बेनिफिट्स ले सकते हैं, उसको पूरे के पूरे बेशर्मियत के साथ उपयोग करना, यही है बेसिक डिफरेंस। इसको हम अगर 2014 से कैसे सुधार ले आए इसके ऊपर हम देखें, तो एक्चुअली एसेट क्वालिटी रिव्यू 2015 में, उस समय ही हमारे सरकार ने पहचाना कि 4 ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। पहले रिकॉग्नाइज करो बैंक में प्रॉब्लम है NPA का, वो भी बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि हर एक अकाउंट में देखना पड़ता था कि कितना है, कितना बैलेंस है, और कितना इसमें उनका पेपर्स का वेट क्या है, NPA है कि नहीं, और NPA है तो इसका एक्चुअली क्या असर पड़ेगा, पैसा वापस लेने का कगार में है कि नहीं, उनके पेपर अगर वर्थलेस है उससे कुछ आने वाले नहीं है, ऐसे असेसमेंट करना, रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम, फिर उसको दूसरे R रिसॉल्व द प्रॉब्लम, इसको कैसे सुलझाना, इसके लिए तुरंत कार्रवाई होना, बैंक के स्तर पर डिसीशन लेना, अगर उसमें CVC मतलब विजिलेंस से जुड़े हुए विषय है तो CVC के साथ तालमेल रख के उसको सही कैसे सुधारना। सो रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम, सेकेंड रिसॉल्व करो, फिर बैंक को रिकैपिटलाइज करो, उससे पैसा मिला नहीं मिला, कितना घाटा हुआ, उसको रिकैपिटलाइज करने के लिए बैंक को पैसा दो, सरकार से पैसा दो। ये सब करने के बैंक बाद में बैंक को रिफॉर्म करो, प्रोफेशनली रन करना है। ये तो जरूर है कि मोदी जी के सरकार में कोई किसी बैंक को फोन करके फलना को पैसा दो, उनके पास सिक्योरिटी हो कि नहीं हो, परवाने अब दे दो, ऐसे फोन कॉल नहीं जाता। सो रिफॉर्म करने के लिए सिर्फ वो एकमात्र सॉल्यूशन नहीं है, पूरे बैंक का
कैसे वो काम करते हैं, उस प्रोसेस को तुरंत रिफॉर्म करो। और जहां पैसा वापस ले आना है, जो सर्विसिंग सही नहीं करता या उनका डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो सब पीछे पड़कर उनसे पैसा मंगवाओ जो बैंक का पैसा है। ये रिफॉर्म के स्टेप भी हमने लिया, इसीलिए ये 4 R's बोलते हैं, रिकग्नाइज द प्रॉब्लम, रिसॉल्व द प्रॉब्लम, रिकैपिटलाइज द बैंक, एंड देन लुक एट हाउ टू रिफॉर्म द बैंक सो दैट वो प्रोफेशनली चलें। ये सब हुआ, उसके कारण आज पब्लिक सेक्टर बैंक का हेल्थ इतना अच्छा है, वो मार्केट में जाकर खड़े हो करके मैं फलना बैंक हूं, मैं पैसा उठाना चाहता हूं, ऐसे बोलने में उनके स्टैंडिंग अच्छा है, इसलिए पैसा लेंड करने का भी लोग तैयार है और अच्छे रेट में देने के लिए भी तैयार है। यही है इस सरकार के बहुत बड़ा कदम, फर्स्ट बैंक को प्रोफेशनली चलने देना, और दूसरा अब तक जो भी बाकी है वो सब धीरे धीरे पैसा वापस ले आना, यही है फर्क।